रावलपिंडी पुलिस ने साबिक जनरल हमीद गिल की बेटी और दमाद से अरबों रुपए की मालियत के GDS अड्डा का कब्जा छुड़वा लिया। इतनी अहम शख्सियत के दमाद और बेटी के अड्डा खाली करवा लिया और हिरासत में ले लिया। कबद अलमदिया वेलफेयर एसोसिएशन की जिला सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज वंग की रिकार्ड सेक्रेटरी मैडम कमर बानो ने आज़ाद मीडिया की ऑफिस में कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीपी ने इस मुश्किल घड़ी में अवाम की खिदमत की है और पीपी ने ये फ़र्क कभी भी नहीं रखा है कि राशन लेने वाले का ताल्लुक पीपी से है या किसी और पार्टी से है। मजीद उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सिंध गवर्नमेंट से आया हुआ राशन हमने हर वार्ड और यूसीज में तकसीम किया है और काफ़ी जगहों पे नहीं मिला है, वो हम कुछ दिनों में ही देंगे राशन। और कहा कि मीर एजाज हुसैन खान जखरानी हीरा है जो जेकाबाद अवाम की खिदमत कर रहा है, इस मुश्किल में मीर साहब अवाम के साथ है। कच्ची शहर जो रोशनियों का शहर माना जाता है, इलाका ईसा नगरी में राशन की किल्लत के बाइस लोग परेशानी का शिकार हो गए। टंडोरा यार प्यार रोड थाने की हदूद में जिमीदार अब्बास निजाम कायम खानी की जमीनों पर नामालूम अपराध ने 15 एकड़ की तैयार शुदा गंदम को आग लगा दी। लाखों रुपए मालियत की गंदम जलकर खाकसर। तफसीलात के मुताबिक टंडोरा यार में शर पसंद अनासर सर उठाने लगे। प्यार और टंडू लून थाने की हदूद में जिमीदार अब्बास निजाम कायम खानी की जमीनों पर नामालूम अफराद ने 15 एकड़ की तैयारशुदा गंदम को आग लगा दी। लाखों रुपए मालियत की गंदम जलकर खाकसर। शेराकोट के इलाके में दो डाकू घर में जबरदस्ती घुस आए। घर वालों की मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से दो अफराद शदीद जख्मी। जवाबी कार्रवाई पर दोनों डाकुओं को पकड़ लिया गया।